देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट में लिखा है कि जब है तो अपनी डिमांड फिक्स एंड चेंज्ड, हाँ ठीक है, इफ इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है। हाँ तो एक मिनट, कहते क्या है कि सामने जो एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ दिख रहा है तो सभी विद्यार्थी इसका जो है ना डिटरमिनेंट निकाल के दिखा सकते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में जो लास्ट क्लास में बताया था इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बना के दिखा सकते हैं। तो सही विद्यार्थी जो है इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाइएगा, सही विद्यार्थी बना के दिखाएंगे डिटरमिनेंट, क्या इसका डिटरमिनेंट होगा। जो तो लगता है कि डिटरमिनेंट सही विद्यार्थियों क्लियर हो चुका है। अब इसको समझाते हैं क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बता रहा है क्या कि सभी विद्यार्थी इसका डिटरमिनेंट माइनस 28 ही आया है ना लाए, लेकिन अब इसका प्रॉपर्टी क्या कह रहा है जरा इसके में पढ़ते हैं। लिखा है जब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, जब किसी डिटरमिनेंट को रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी जितना भी रो है उसको प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में कर दे या प्रत्येक कॉलम को प्रत्येक रो में कर देगी तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ना साइन में चेंजिंग होगा। यानी करने क्या होता है माइनस 28 है तो माइनस 28 ही आएगा, क्लियर। जरा देखिएगा जैसे इसका कहा है कि जब भी कोई डिटरमिनेंट को रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि रो जो दिख रहा है सभी को ना रो को कॉलम में करते हैं, यानी तो 2-3 और ये 5, फिर देखिएगा रो को कॉलम में तो 6-0-4, क्लियर है। अब इसी रो को इस कॉलम में करेंगे, सभी विद्यार्थी को यह समझ आ गया, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज किया तो सभी क्लियर हो गए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा जरा बना के दिखाई सही वाला। जब मैंने प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज कर दिया, देख रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया, जैसे यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट रो को, कैसे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया, फिर क्या कर दिया सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दिया, या फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर दिया। यानी समझ रहे बात को, मैंने ये लिखा है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, मैंने ये लिखा है। तो जब इस रो को कॉलम में चेंज किया तो इसका भी डिटरमिनेंट लगता है सही विद्यार्थी बता रहे माइनस 28 ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है कि जब भी कोई डिटरमिनेंट रहे और रो को कॉलम में चेंज करना है तो चेंज करने से मेरा कोई क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज कर सकते हैं, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में हम चेंज कर सकते हैं या कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट का स्टेटमेंट, समझिएगा। प्रॉपर्टी बता रहा है सेकंड में, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। यानी कहने का मतलब है कि जब भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम चेंज करते हैं, दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो उसको वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, साइन में चेंज हुआ। क्या में चेंज हुआ? साइन में। जब दो रो या तो दो को कॉलम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। यहां पे लिखा है इफ ए टू रो और कॉलम, तो देखिएगा पहले तो कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में और थर्ड फर्स्ट रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को फर्स्ट रो में कर सकते हैं, कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम, यानी इस कॉलम को इसमें इस कॉलम को इसमें कर सकते हैं, यानी कोई भी दो रो को। तो हम ऐसा करते हैं कि रो को ही चेंज करते हैं, सिर्फ हम रो को ही चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में या तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में या तो सेकेंड रो को थर्ड रो में या थर्ड रो को सेकेंड रो में, कोई भी दो को रो को ही, तो देखिएगा या तो कोई दो को कॉलम। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को थर्ड रो में, फर्स्ट रो को थर्ड रो में, इसका मतलब ऐसे, और ऐसे का मतलब हुआ कि थर्ड रो को भी फर्स्ट रो में। देखिए कैसे चेंज करते हैं, देखिएगा
सभी विद्यार्थी को पता होगा कैसे रो होता है, इस तरह से क्या होता है, रो होता है। अब इसको कर रहे हैं यहाँ और इसको कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये चले गया फर्स्ट फ्लोरिंग, 1 5 -7। अब इसके बाद बीच वाला जो है जो करते रह जाएगा 6 0 4, और फर्स्ट वाला जो है लास्ट चल जाएगा 2 -3 और यहाँ 5। देख रहे हैं, यानी दो रो को मैंने चेंज किया, फर्स्ट रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया मेरे यहाँ पे। अब इसका जब डिमांड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका डिमांड निकालेंगे तो वैल्यू वही रह जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी माइनस में है तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस में। कब, जब दो रो या दो कॉलम चेंज करेंगे तब का ये रूल है। क्लियर है, तो सभी विद्यार्थियों को समझ आ गया तो है कि दो रो या दो कॉलम सेम रहे प्रॉपर्टी थर्ड में, जिसका डिमांड क्या होता है, जीरो। यहाँ भी दो रो सेम है, इसका डायरेक्ट डिमांड क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थर्ड का रूल कह रहा है। क्लियर है, तो ये या तो दो कॉलम भी सेम रहेगा तो डिमांड क्या हुआ, जीरो हुआ। तो और भी इसमें कोई सेम है विद्यार्थी बोल सकते हैं, इसमें मैंने तो बताया रो सेम है, तुम मैट्रिक्स में जब भी, इसके पहले मैंने मैट्रिक्स आया था ना, जब भी किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में होता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में भी वैसा ही करना है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट्स में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजिंग है मैट्रिक्स से। उसमें मैट्रिक्स में क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट में करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट्स में है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई जरा देखिएगा, करके दिखाते हैं। कोई एक रो में हुआ, कोई एक रो में, तो कैसे ना देखिएगा, K1 K B1 K C1, और सेकेंड रो और थर्ड रो फिक्स रहे, उसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा। देख रहे हैं, इसी प्रकार से फिर क्या है कि और सेकेंड रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे देखिए, फर्स्ट रो फिक्स रहते हैं A1 B1 C1, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे कर देखिएगा, K A2 K B2 K C2, और यहाँ A3 B3 C3। क्लियर है सभी, इसी प्रकार से जरा देखेंगे कि और क्या है, ये सभी क्वेश्चन आ गया पूरा क्लियर कंडीशन। मैंने क्या बताया है, बताया कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कॉमन भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। अब है क्या कि अगर मान लिया कोई नंबर है, अब बताइए कि फर्स्ट रो में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, या फिर रो में या तो कॉलम में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट रो में 6 कॉमन हो सकता है। वेरी गुड दिलीप कुमार, 6 कॉमन, तो कोई एक ही रो से कॉमन करना है या कोई एक ही कॉलम से कॉमन करना है, ठीक है। तो हम 6 कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ 17 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 6 बचेगा, और बाकी जो सेकेंड रो और थर्ड रो फिक्स लिखा जाएगा, ठीक है, 1 3 4, और फिर 17 6 3 6। समझ आ रहा सभी को, मैं कॉमन करने के लिए सिखा रहा हूँ। सचिन कुमार बोल रहे हैं जीरो आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है सचिन कुमार, लेकिन अभी सिर्फ हम मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रहे हैं, कोई रो या तो कॉलम से या फिर कॉमन करने के लिए सिखा रहे हैं, थोड़ा सीख जाएगा और बाद जीरो लिख देंगे, ठीक ना। अब जरा सवाल मेरा दूसरा है कि कॉमन भी हम कर सकते हैं, कॉमन भी हम कर सकते हैं और भी, हाँ तो और भी कॉमन होगा, और कॉमन क्या हुआ देखिएगा, इसमें सेकेंड कॉलम से 3 कॉमन होगा, वेरी गुड, सेकेंड कॉलम से 3 कॉमन होगा, देखिएगा, तो जब कॉमन करें क्या बचेगा, ऐसे बचेगा, बाकी रह गया फिक्स। क्लियर, और भी देख सकते हैं विद्यार्थी, यहां तक क्लियर हो चुके हैं ना, फिर सुनो नाम लिख लेंगे, एक मिनट देखिए कॉमन क्या हुआ जरा बताते हैं, एक चीज जरा सुनिएगा, फर्स्ट रो में हम चलते हैं तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, जीरो है, ए है, तो फर्स्ट रो में अगर हम ए कॉमन करते हैं, फर्स्ट रो में ए कॉमन करते हैं
जीरो तो जीरो ही रह जाएगा, ई भी जीरो ही रह जाएगा, लेकिन इसमें क्या बच जाएगा जब एक कॉमन हो गया तो वन ही बच जाएगा। यानी फर्स्ट रो से एक कॉमन हो सकता है, फर्स्ट रो से क्या कॉमन हो सकता है, ए कॉमन, और सेकेंड रो बी सी डी ई एफ जी सिक्स। अब समझ में आया कॉमन कैसे होता है सभी विद्यार्थी को, सभी विद्यार्थी को कॉमन करने आ गया सभी को, कैसे कॉमन किया, फर्स्ट रो में ए कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि जीरो में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही ना, जीरो में ए से मल्टीप्लाई जीरो और ए। अब बताइए कि फर्स्ट रो में सभी में ए शामिल हो गया, फर्स्ट रो में ए शामिल हो गया कि नहीं हो गया, ए कॉमन कर लेंगे, बाकी जैसे जीरो है उसे जीरो रह जाएगा और ए कॉमन हो गया तो बचेगा वन। आया सभी को समझ में, कंफर्म है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल, इसका नोटेड पॉइंट का एग्जांपल देखिएगा, सभी विद्यार्थी तो दिख रहा होगा ये जो नोटेड पॉइंट फर्स्ट बताया, सभी को क्लियर हो गए, कोई डाउट है? जीरो रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या हुआ, जीरो हो जाएगा, क्लियर है सभी? देखिए एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्या तरीका है कि जो देखिए कि जो ऐड होना रहेगा, जो दो पार्ट रहेगा, देखिए फर्स्ट रो में दो पार्ट है, फर्स्ट रो में क्या है दो पार्ट है और बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो सिंगल सिंगल है, तो एडिशन करने का तरीका क्या है कि जो जो पार्ट मेरा क्या है कि सिंगल वाला है उसको दोनों डिटरमिनेंट्स में लिखना है, जो सिंगल वाला है सेकेंड रो और थर्ड रो सिंगल वाला है, देखिए तो सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों डिटरमिनेंट्स में हो गया, और जिसका दो पार्ट था ना, फर्स्ट रो का दो पार्ट था, तो पहला पार्ट जो है पहला डिटरमिनेंट्स में और दूसरा पार्ट जो है दूसरा डिटरमिनेंट्स में, इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऐसे ही होता है एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स को याद रखिए कि जिसका दो पार्ट होता है, पहला पार्ट पहला डिटरमिनेंट्स में और दूसरा पार्ट दूसरा डिटरमिनेंट्स में, और जो सिंगल वाला है वो दोनों डिटरमिनेंट्स में, जो सिंगल वाला था वो दोनों डिटरमिनेंट्स में, ऐसे ही होता है एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक एग्जांपल जरा बना के दिखाएंगे सही बात है, देखिएगा ये भी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, सही वाला यहाँ पे है ना क्या कि मैंने बोला कि जिसका दो पार्ट है, पहला पार्ट पहला डिटरमिनेंट्स में, दूसरा पार्ट दूसरा डिटरमिनेंट्स में, और जो सिंगल वाला है ना वो दोनों डिटरमिनेंट्स में, यही होता है एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सभी क्लियर हो गए सभी विद्यार्थी है कि कभी कभी ऐसा होगा सोल्यूशन में कि तीनों रो को देखिए डिटरमिनेंट्स में क्या क्या यूज होगा अभी यूज करके दिखाएंगे, तीनों रो में अगर ऐड करते हैं, तीनों क्या करते हैं ऐड करते हैं R1 plus R2 plus R3 और ऐड करने पर फर्स्ट रो में लिखना है, ऐड करने पर, तो ऐसा बिल्कुल हम अपना सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स में तीनों रो को ऐड करने पर फर्स्ट रो में हम लिख सकते हैं, या फिर तीनों कॉलम को लिख फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम को ऐड करने पर फर्स्ट कॉलम में लिखे, क्लियर हो गए सभी विद्यार्थी? ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया क्लियर, नोटेड पॉइंट में क्या है कि जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम रहे उसके लिए मिली, जब रो या तो कॉलम सेम रहे तो उसके लिए रूल बता रहे हैं, तो याद रखिए रूल, जब कोई एक रो सेम रहे तो उसमें कॉलम को सबट्रैक्ट करना है, जब रो सेम रहेगा तो कॉलम को सबट्रैक्ट करना है, और जब कॉलम सेम रहेगा तो रो को सबट्रैक्ट करना है, फिर से एक बार, जब कॉलम सेम रहे तो रो को घटा देना है, और जब रो सेम रहे तो कॉलम को घटाना है, और सबट्रैक्ट करने के बाद जीरो लाना है, क्या लाना है जीरो, दो एलिमेंट में क्या लाना है जीरो लाना है। देखिएगा अब ये कैसे मीट करते हैं,
कैसे फील करते हैं? तो देखिए पहले तो सभी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? आज मैंने डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी बताया और इस पर कुछ एग्जांपल भी बताए, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हुआ कि सभी विद्यार्थियों को मेरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी मेरा लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उससे कॉन्टेक्ट करके बात करके और लाइव क्लास कर सकते हैं। पर डे क्लास चल रहा है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को त्रुटियां हैं वो क्लियर कर रहे हैं। फिर ठीक है, विशेष फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ।